ट्रांसपोर्टेशन लैब का एक्सपेरिमेंट नंबर 6 को परफॉर्म करेंगे, जो जिसका नाम है फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ जीवन बिटुमेन। इस एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल और एपरेटस यूज करते हैं उसमें पेंसिली मार्टिन एपरेटस है और मटेरियल में बिटुमेन, थर्मोमीटर और हीटिंग सोर्स, ये सब इस वाले एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में ये हमारा थर्मोमीटर है जिसमें टेम्परेचर दिखाया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, जिसमें इस समय रूम का टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये हमारा पेंस्की मार्टिन ऑपरेटस है जिसमें ये स्टीरर है, इससे हम बिटुमन को इसमें बिटुमन गर्म करते हैं और इसको इसी इसके ऊपर ढक देते हैं। ढकने के बाद बिटुमन को जब गर्म करने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर इसमें हम इसको लगा देते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करके इसमें जो बिटुमन है वो जब गर्म करते हैं तो स्टीरर से थोड़ी थोड़ी देर पर बिटुमन को सेम टेम्परेचर मिले इसके लिए स्टीरर से उसको घुमाते रहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट गिवन बिटुमिनस का क्या होता है। तो फ्लैश वह न्यूनतम टेम्परेचर है जिस पर बिटुमन जो है जलने की कोशिश करता है और फायर वह टेम्परेचर है न्यूनतम जिसपे वह जलने लगता है, निकाला जाता है क्योंकि अलग अलग स्थानों पर जहां ज्यादा टेम्परेचर होता है वहां पर बिटुमन का टेम्परेचर ज्ञात करना पड़ता है कि कहीं आग न लग जाए या जलने न लगे या मटेरियल की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो कम न हो जाए, इसके लिए जो है ये परफॉर्म करते हैं। तो फ्लैश पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ गिवन बिटुमिनस जब वो जलने की कोशिश करे और फायर पॉइंट मिनिमम टेम्परेचर ऑफ गिवन बिटुमिनस जब वो जलने लगे, फायर को उसमें लग जाए, आग लग जाए। ठीक है, तो अब इसको हम परफॉर्म करेंगे। हाँ, तो बच्चों सबसे पहले पेंस्की मार्टिन में हम बिटुमन को मेल्ट करते हैं हीटर पे, इसके बाद जो है इसको इसमें हम 1 सेंटीमीटर लेवल देख करके फिर फिल करेंगे, खाली रखेंगे इसको, ये जो ढक्कन है इसमें 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm हम थोड़ा लेवल कम रखते हैं बिटुमन का और फिर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर को हम थोड़ा बढ़ाते हैं लगभग 70 से 80 के बीच पहले कर देते हैं। इसके बाद जो है ये ऑपरेटर जो स्टीरर वाला है इसको इसको हम ढक देंगे इससे। ये सिस्टम सेट हो गया हमारा ये पेंस्की मार्टिन और ये स्टीरर, स्टीरर से उसको 5-5 मिनट के बाद जो है इसको हम घुमाते रहेंगे और ये जो स्टीरर के पास में ये यहां से ये होल है इसमें जो है बिटुमन की जो है टेम्परेचर वो जो निकलेगी गैस वो यहीं से फ्लैश और फायर पॉइंट यहां से निकालते हैं।
ये गैस से जोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम मोमबत्ती से इसका टेस्ट कर सकते हैं। और ये थर्मामीटर, इसको हम इस वाले पोर्शन में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं। इसको सेट कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम पांच मिनट पे स्टेरर को हम घुमाते हैं, और इसके बाद जो है इसमें हम फ्लैश पॉइंट यहाँ पर इस होल से यहाँ से ज्ञात करा जाएगा। और फ्लैश के लिए हमको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ फायर वाली लौ जो है इसको हम दिखाएंगे। जब ये पकड़ने की कोशिश करेगा उस समय हम थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर निकाल लेंगे। इसका टेम्परेचर निकालेंगे कितना है, अभी फ्लैश हो नहीं रहा है। ठीक, थोड़ी देर बाद, अभी वेट करना पड़ेगा। चलिए लगाइए आग। स्टीयर करेंगे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच गया है। हाँ, ये फ्लैश हो रहा है, देखिए ये फ्लैशिंग हो रहा है, कितना है 210, ये फ्लैशिंग हो रहा है। अभी थोड़ा देर और करेंगे, ये आग पकड़ लेता है ये। हाँ, ये आग पकड़ गया। हाँ, ये फ्लैश और फायर पॉइंट आग लग जा रही है। ये आग लग गई, इसका फ्लैश टेम्परेचर 210 और इसका फायर टेम्परेचर ये है 280 है। तो बच्चों, इसमें हमने पेंसिल मार्किंग पर हमने देखा इसका फ्लैश पॉइंट जिसका टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड